Italian student visa ratio is the best if you complete and submit all the required documents on time. The visa is for you only, believe me. Assalamu alaikum, my name is Aftar Ahmed and welcome back to my YouTube channel. आज का टॉपिक इटालियन स्टूडेंट वीजा रेशियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई इटालियन वीजा रेशियो क्या है, क्योंकि उनको लोग डबल माइंडेड करते हैं कि आप अप्लाई ना करो, आप जर्मनी अप्लाई करो, स्पेन अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी एप्लीकेशन प्रोसेस पे है। लेकिन उन्होंने मुझे ईमेल्स किए, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि यार इटालियन वीजा रेशियो बेस्ट नहीं है, हमारा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। तो मैं तीन पॉइंट्स बताऊंगा, उन तीन पॉइंट्स पे आप लोग काम करें, उन डॉक्यूमेंट्स पे आप लोग काम करें, आपका वीजा इंशाल्लाह लगेगा। नंबर वन इज, जिससे रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है वो है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि हम अपने अकाउंट में 20, 30, 40 लाख रुपए हम शो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता कि ये पैसे हमें कहाँ से आए और क्यों आए और ये ट्रांजेक्शन हमने क्यों किए। अरे भाई, आप बैंक स्टेटमेंट के साथ जॉब लेटर और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या कोई और इस तरह के सैलरी स्लिप्स जरूर लगाए, ताकि एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन करे, तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप उसको इंटरव्यू में भी सेटिस्फाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स से कि हाँ ये पैसे यहाँ से आए और हमारा फैमिली इनकम इस तरह है, और ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ एक एक चीज आप उसको दिखा सकते हो, एक एफिडेविट भी आप फाइनेंशियली सपोर्टर की तरफ से बना सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपके पास ये एक चांस होता है कि आप एम्बेसडर को अपने डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई करो कि हाँ मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, सारा सब कुछ आप उसको उसी टाइम 10 मिनट्स में वो आपको जज कर सकता है कि ये बंदा स्टडी के लिए जा रहा है या इसका कोई और पर्पस है। क्योंकि आपने एम्बेसडर को ये शो करना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए जा रहा हूं और मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं। पॉइंट नंबर टू, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक ना हो, ताकि एम्बेसडर आपसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछे तो आपको पता हो अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में, अपने नेक्स्ट स्टडी के बारे में कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन से कोर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि एम्बेसडर को आप सेटिस्फाई करो। इसके साथ साथ आपके पास आईएलट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि ये आपका वजह ना बने वीजा रिजेक्शन का, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास तो आईएलट्स सर्टिफिकेट नहीं होता। उन पर आपको तरजीह मिलेगा कि उनके पास आईएलट्स नहीं है, आपके पास आईएलट्स है, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको वो लोग देखते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम इतना नहीं होता कि फिर आपको कहें, अक्सर टाइम दे भी देता है लेकिन वीजा रिजेक्शन चांस यहां पर भी होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और ये इतना लापरवाह है। सो एम्बेसडर आपका वन टू वन इंटरव्यू लेता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट चेक करता है और आपसे उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस करता है, तो आपने जवाब देना है उसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, आपने वही बताना है जो डॉक्यूमेंट आपने शो करना है। सो यही है, इससे रिजेक्शन चांस बिल्कुल नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि इटली वीजा रेशियो गुड नहीं है, सो इनको मैं बताना चाहता हूँ ये प्रोसेस आप लोग, ये तरीकाकार आप लोग इख्तियार करो, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखो, एम्बेसडर ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन कर सकता है, व्हाई इटली, व्हाई दिस कोर्स, Why this department and why this university, why this city? आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करना है इसके बारे में कि मैं इटली क्यों जाना चाहता हूँ। सो फाइनेंशियली भी अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग शो करना है, और यही उसको बस एक ही सेटिस्फेक्शन देना है कि मैं स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। अपने लास्ट ईयर गुड ग्रेड्स के बारे में बताओ, कोई एक दो एग्जाम्स में आपने अच्छे नंबर लिए हो उसके बारे में बताओ, अपने कोर्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताओ, आपका वीज़ा लगेगा इंशाल्लाह। सो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाय बाय।